सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दृष्टिबाधित शिक्षकों को पुराने तरीके से हाजिरी लगाने की मिली छूट। आप भी इन बीमारियों का या करा सकते हैं इलाज। अकेला देख ब्यूटिशियन पर टूट पड़ा मालिक। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, दिल्ली शिक्षा निर्देशालय की ओर से पिछले दिनों स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए लगाए गए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बता दें कि सरकारी स्कूलों में आधार युक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस जुलाई माह से शुरू किया गया, जिसके बाद दृष्टिबाधित शिक्षकों ने आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की कई बार शिकायत की, जिसके बाद उन्हें मानवीय आधार पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दे दी गई। 38वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य जांच शिविरों में मधुमेह जैसी अन्य आम बीमारियों की जांच की जा रही है। जांच चेकअप के लिए आने वाले 10 लोगों में 6 मधुमेह के लिए जांच कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। ताजा मामला दिल्ली के बेहद पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश का है, जहाँ एक युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर आरोपी ने युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।